तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेलीग्राम चैनल के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग का जो चैनल होता है उसके लिए हम लोग फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे। सो हमारे पास सबसे पहले होना क्या क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए, एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर आपके पास लैंडिंग पेज है और आप किसी भी फ्रीलांसर से बनवाया हो तो ठीक है, अगर आप नहीं बनवाया हो तो क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप इस प्रकार का बनवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंजीनियर ऑफ बैंक निफ्टी, वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड ऑल कॉल्स और एजुकेशन पर्पज। इनके 6200 सब्सक्राइबर्स हैं। अभी चलिए हम इस क्लाइंट्स का दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं एक सेकेंड उनका। तो यहाँ पर इनके ये चैनल है, ठीक है, इनके लगभग 6214 सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए हम इनका रन करके दिखाते हैं कैसे रन किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक लैंडिंग पेज बना लिए जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फेसबुक आईडी पासवर्ड चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखिए हम फेसबुक आईडी पासवर्ड खोल लिए। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पे सर्च करना है एफ बी एड्स मैनेजर। सर्च करने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए गो टू एड्स मैनेजर पर क्लिक करते हैं, तो हम तो यहाँ पर फेसबुक आईडी पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लिए हैं। हम आपको दिखाने के लिए चीज़ मैंने फिर से अगेन ओपन किया है। अब जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इवेंट्स मैनेजर पर चलते हैं, तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पर आ जाए, हम आपको दिखा देते बिल्कुल नए से। तो जब आप ना फेसबुक लॉगिन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपका फेसबुक आ जाएगा। अभी आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, एक पिक्सल क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे कि हम आपको क्रिएट पर जाते हैं, अब आपको पिक्सल कनेक्ट करना पड़ता है, पिक्सल क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये जो लैंडिंग पेज आपको दिख रहा है ना, इस ये जो बटन दिख रही है यहाँ पर, इस बटन से और ये जो फेसबुक एड्स मैनेजर है इससे दोनों में आपस में कनेक्शन होता है, तब जाकर के ये चीजें होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सेल्स वाला यहाँ पर हम देखिए टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर्स ले जाने के लिए 3 कैंपेन रन कर सकते हो, सेल्स वाला, एंगेजमेंट वाला एंड उसके बाद यहाँ पर लीड्स वाला। तो हम अभी जो ट्राई कर रहे हैं लीड सेल्स वाला ट्राई कर रहे हैं। सेल्स वाले पर जाकर मैनुअल सेल्स कैंपेन पर जाते हैं। आपके जब फेसबुक आईडी पासवर्ड फेसबुक एड्स मैनेजर में लॉगिन करेंगे आप, तो आपका कोई भी पिक्सल नहीं सेट रहेगा। हम देखिए सेल्स वाले पर गए, यहाँ पर जाकर के एक हम पिक्सल के यहाँ पर क्रिएट कर दिए थे। आपका यहाँ पर देखिए क्रिएट करने का ऑप्शन आया, जैसे हमने बैंक निफ्टी के नाम से क्रिएट किया, यहीं पर एक क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे जाकर के नाम डाल देना, बस हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम पिक्सल कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे एड्स रन होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगर आप लोग मेरे द्वारा रन कराना चाहते हो, जैसे ये मेरे क्लाइंट्स रन कर रहे हैं, रन कर रहा हूँ मैं, मेरे एजेंसी के थ्रू रन करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैसेज में और टेक्स्ट ऑन व्हाट्सअप, आई विल हेल्प यू, मैं आपके लगा दूंगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले अब क्या चीज़ करना है, ये जो 3 लाइन होता है यहाँ से क्लिक करके हम चले जाते हैं इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर में चले जाने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, हम कंटिन्यू पिक्सल सेटअप करते हैं। आप लोग जिसके द्वारा लैंडिंग पेज बनाए रहेंगे ना, उसी को आप ये चीज़ भेज सकते हो, ये कोड भेज दोगे तो वो सेटअप कर देगा। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा चीज़ें, हम चलिए पिक्सल सेट करके फिर दिखाते हैं कैसे आगे का एड्स लगता है। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा लैंडिंग पेज का लिंक था, अब हम पिक्सल, ठीक है गाइस, तो हमने अभी अभी इसका पिक्सल सेट कर दिया है। सो अब चलिए हम दिखाते हैं कि एड्स कैसे रन होता है। ठीक है, हम एक प्रोसेस आपको बताते हैं, बाकी आप फॉलो करके इस तरीके का लगा सकते हो। सो यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन द सेल्स एंड उसके बाद आगे चलते हैं, मैनुअल सेल्स कैंपेन पर चलते हैं, कंटिन्यू पर चलते हैं। ओके, आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, मैनुअल सेल्स वाले पर ही क्लिक करना है ध्यान से। अब सो समझने वाली जो बात है, यहाँ पर देखिए 3 कैंपेन आता है, 1, 2, 3। ठीक है, तो हम क्या चीज़ करेंगे कि हम देखिए इधर में पहले वाले में हम यहाँ पर नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, या तो इसका हम रहने देते हैं। तो हम चलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एड्स हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं एड टेक्स्ट में। एड सेट में जाने के बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर वेबसाइट चूज करने रहने देना है। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा देखिए पिक्सल आ गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ आता है ना, एक इवेंट आता है। आप लोग को समझने की बात मैं बता रहा हूँ, एक पिक्सल होता है और एक इवेंट्स होता है।
पिक्सल आईडी जो रहती है एक्टिव रहती है, और इवेंट क्या रहता है, ये जो बटन हमने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर बटन थी ज्वाइन चैनल करने वाली जो बटन थी, सॉरी इसमें लैंडिंग पेज में ज्वाइन करने वाली जो बटन थी, तो यही पर इवेंट एक्टिव आ जाता है, एक्टिव इवेंट चूज करना पड़ता है। और ये पिक्सल को पिक्सल कैसे सेट किया जाता है, इवेंट कैसे सेट किया जाता है, मैं इसमें नहीं बता सकता। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक। तो यहां से जो इवेंट्स एक्टिव रहेगा वहां से वो चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, डेली बजट अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर जो 800 रुपये रहता है, अभी जो चीज़ इनकी स्पेंडिंग लिमिट है मैक्सिमम डेली 1400 रुपये ही है इनकी, ठीक है। वीकली स्पेंड 5600 रुपये है, और अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इशू देखने को पड़ रहा है कि इसकी जो स्पेंडिंग लिमिट रहती है इतना ही रहती है। लोकेशन इंडिया कर लेना है आपको, स्विच टू द ओरिजिनल ऑडियंस पे चले जाना। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स टारगेटिंग करनी होती है, जिसके थ्रू मुझे एक्चुअल में एक्टिव सब्सक्राइबर्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिले। एज अपने हिसाब से रख सकते हो, हम रखते हैं 18 से लगभग 40 साल, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारे इंटरेस्टेड पर्सन रहते हैं। अब यहाँ पर जो डिटेल टारगेटिंग आती है, डिटेल टारगेटिंग आप लोग यहाँ नीचे यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड दिखाता हूँ कहाँ पे, इधर ही आ जाएगा इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ टारगेट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट, एक शेयर मार्केट या फिर कुछ भी डल के अपना डिटेल्स टारगेटिंग कर सकते हो। और प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में मैनुअल प्लेसमेंट ना करना तो ठीक रहेगा, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रहने देना, ठीक है। मतलब 21 जगह प्लेसमेंट रहेगा तो सही रहेगा, इंस्टा और फेसबुक दोनों पर चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एड वन पर चलते हैं। एड वन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अपना एक फेसबुक पेज जो रहेगा हमारा वो शो करने लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें एड मीडिया का ऑप्शन आ जाता है। एड मीडिया का जाकर के एड वीडियो पर क्लिक करके अपना कोई सा भी एक वीडियो आप लोग चूज कर लेना, उसको अपलोड कर देना, ओके। एंड उसके बाद देन हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो अगर ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ना हो, या फिर क्लिक ऑन द लर्न मोर टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन यहाँ से ऑटोमेटिक एआई से जनरेट होकर आ जाता है। एंड उसके बाद वेबसाइट में हमें क्या करना पड़ता है, अगर फेसबुक एड्स यूज कर रहे हो तो यही जो हमने अभी बनाया था, कहाँ गया, एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं। ये जो हमने भी आपको दिखाया था है ना, ये जो लिंक था हमारा, ये लिंक था ना, ये तो यही लिंक हम लोग यहाँ से डाल देते हैं यहाँ पर वेबसाइट वाले में, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये वेबसाइट लिंक हमने जो डाला, इस वेबसाइट लिंक को डाल करके यहाँ पर जो एड पब्लिक करने का ऑप्शन आता है ये है ना नीचे कोने में, देखिए यहाँ पर ये, तो ये कोने में पब्लिक पर क्लिक कर देंगे तो ये सिस्टम रहता है ये ट्रेडिंग एड्स रन करने का फेसबुक। अब बाकी अभी के टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है टेलीग्राम एड्स, सो अगर आप लोग वो भी रन कराना चाहते हो, सो नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल मैसेज मी, आई विल हेल्प यू, ओके बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग लैंडिंग पेज या पिक्सल सेटअप कुछ भी कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मैसेज कर देना, हम आपकी हमेशा सहायता करेंगे। और सब्सक्राइब कर देना भाई नए चैनल पे हो तो, ओके।